गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस एट चैप्टर ऑफ पीजेंट्स जमींदार्स एंड स्टेट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फॉरेस्ट एंड द ट्राइब्स दैट स्टेट। ओके, तो हम विलेज कम्युनिटी के बारे में समझ चुके हैं कि मुगल पीरियड के समय में विलेज कम्युनिटी विलेजेस में कौन रहते थे, उनकी लाइफ कैसी थी, वो क्या काम करते थे, कौन से उनके वे ऑफ लाइफ। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पीपल जो कि ऑब्वियसली विलेज, इस विलेज कम्युनिटी का हिस्सा तो नहीं है वो, लेकिन वो जंगलों में रहते हैं और उनकी लाइफ काफ़ी डिफरेंट है। सो वी लर्न अबाउट देम। वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट था उस समय, आज जितना है उससे काफ़ी ज़्यादा था। टुडे अराउंड 18% ऑफ इंडिया इज़ अंडर फॉरेस्ट, बट बैक देन ड्यूरिंग द 16th and 17th century, जो ये मुगल पीरियड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ड्यूरिंग दोज डेज कोई ऐसा हार्ड हमारे पास फैक्ट्स नहीं है, कोई डेटा नहीं है, बट इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 40% ऑफ इंडिया वॉज अंडर फॉरेस्ट। और ये 40% अगर फॉरेस्ट था तो ये दीज वर नॉट एम्प्टी फॉरेस्ट, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो स्टेड इन फॉरेस्ट एंड, लेकिन उनकी लाइफ, उनका वे ऑफ लाइफ वॉज मच डिफरेंट देन वॉट दी कल्टिवेटर्स एंड विलेजेस, जो विलेज कम्युनिटी का हिस्सा थे उनसे इनकी लाइफ काफ़ी डिफरेंट थी। ओके, यहाँ पे फॉरेस्ट को दो डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। एक फॉरेस्ट जिसे जंगल कहा गया है, ये डेंसली फॉरेस्ट जो है उन्हें जंगल कहा जाता था, और दूसरा जो था जो कि स्क्रब लैंड्स थे, जहाँ पे स्क्रब्स थे, झाड़ियाँ थी, बहुत बड़े बड़े ट्रीज नहीं थे, बट वो भी एक तरीके से वाइल्ड इलाका था, वहाँ भी वाइल्ड एनिमल थे, और ऐसी जगह को कहा जाता था खारबंदी। ओके, तो जो जंगल जो फॉरेस्ट है वो एक सिंगल एंटिटी के लिए नहीं यूज होता था, जंगल डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज को जंगल कहा जाता था, और दूसरी जो जगह थी जहाँ पे स्क्रब्स होते थे, स्क्रब लैंड्स, उन्हें खारबंदी कहा जाता था। ओके, और ये कौन कौन से एरियाज में थे, हमारा ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, झारखंड जो अभी है, इंडो नेपाल बॉर्डर, ऑल दीज एरियाज वर कवर्ड विथ फॉरेस्ट। 40% है तो काफ़ी एरियाज में था, नॉर्दर्न इंडिया एवरीवेयर वी सी कि फॉरेस्ट था, इवन वेस्टर्न घाट्स एंड डेक्कन प्लेटू, दो इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू से कि उस समय क्या कितना एरिया फॉरेस्ट कवर के अंदर था, बट अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोर्सेस उस समय के जो बाकी सोर्सेस हैं उससे एक एस्टिमेट लगाया जा सकता है दैट अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ इंडिया वॉज अंडर फॉरेस्ट। ओके, फॉरेस्ट ड्वेलर्स वो टर्म जंगली, ये वर्ड अभी भी यूज होता है, लेकिन अब इसका थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन है और नेगेटिव सेंस में इसको यूज़ करते हैं हम, किसी अनसिविलाइज्ड पर्सन के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं जंगली, बट उस समय ये जो जंगली वर्ड है इसका सिंपल मीनिंग था पीपल जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें जंगली कहा जाता था। ओके, नॉट टू मेंशन के दे वर अनसिविलाइज्ड, ऑब्वियसली उनके तरीके अलग थे, लेकिन फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को जंगली कहा जाता था, सो दे वर रिफर टू एज जंगली, फॉरेस्ट वर रिफर टू एज जंगल, ये सिंपल वर्ड्स हैं। वॉट यू नीड टू रिमेंबर इज खारबंदी, खारबंदी स्क्रब लैंड्स को कह देते हैं। ठीक है, तो पीपल वर कॉल्ड जंगली, बींग जंगली हाउएवर डिड नॉट मीन एन एब्सेंस ऑफ सिविलाइजेशन, उसका मतलब ये नहीं है कि वो अनसिविलाइज पीपल थे, बट यस दे वर कॉल्ड जंगली बिकॉज दे स्टेड इन फॉरेस्ट। ओके, द टर्म डिस्क्राइब दोज हुज लाइवलीहुड केम फ्रॉम द गैदरिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हंटिंग एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जो कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं उनकी लाइफ डिपेंडेंट होती है एंटायरली ऑन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में कई तरह की एक्टिविटीज होती हैं, वो हंटिंग करते हैं, वो गैदरिंग करते हैं। ओके, एंड दे ऑल्सो प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज अ वे ऑफ एग्रीकल्चर, जिसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं, तो आप जानते ही हैं। ओके, and they practice shifting agriculture, so they just don't rely on agriculture, वो केवल क्रॉप पे रिलाई नहीं करते हैं, क्रॉप जो भी वो करते हैं वो अपने उसके खाने के लिए करते हैं, लेकिन उनके क्रॉप्स के अलावा उनकी लाइफ फॉरेस्ट की बाकी प्रोड्यूस पर, उनके कलेक्टिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स, गैदरिंग देम एंड ऑल्सो सेलिंग देम। ओके, सो ये उनके इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ अर्निंग होते हैं। ओके, फॉरेस्ट के लोगों के, हम एक ट्राइब भील्स हैं, उनकी हम लाइफ देखेंगे कि थ्रू आउट द ईयर वो क्या करते हैं। ये जो वर्ड सेडेंट्री एग्रीकल्चर यूज़ किया गया है, तो एग्रीकल्चर तो सेडेंट्री कहा गया है बिकॉज फार्मर्स दे यूज टू सो द सेम क्रॉप इन द सेम फील्ड, एक स्थायी जगह पर रहकर
उन्हीं खेतों में वही फसलें लगातार लगाते रहते थे, इसलिए उनकी लाइफ एक तरीके से ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, हर बार वही सेम काम कर रहे हैं। लेकिन दिस फॉरेस्ट ड्वेलर्स काम ये भी सेम कर रहे हैं, बट थ्रू आउट द ईयर दे यूज टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। वो हम अभी भील का एग्जाम्पल लेंगे, वहाँ समझ में आएगा ये। ओके, दीज एक्टिविटीज़ जो ये एक्टिविटीज़ करते थे ये सीजन स्पेसिफिक था, डिफरेंट सीजन्स में फॉरेस्ट ड्वेलर्स दे डू डिफरेंट एक्टिविटीज। ओके, लाइक भील्स का एग्जाम्पल लिया गया है, अमंग दी भील्स ये एक इम्पॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटी है इंडिया की, तब भी और अभी भी, और ये भील्स काफ़ी लार्ज क्वान्टिटीज़ में, लार्ज नंबर्स में अभी भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब एरियाज में है ये। सो भील्स फॉर एग्जाम्पल, स्प्रिंग वॉज रिजर्व फॉर कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो स्प्रिंग में फॉरेस्ट प्रोड्यूस उसको कलेक्ट करते थे। समर वॉज मेंट फॉर फिशिंग। ओके, दी मानसून मंथ्स फॉर कल्टिवेशन, बिकॉज वो कोई इरीगेशन फैसिलिटीज़ पर डिपेंडेंट तो थे नहीं, वो बारिश पर ही डिपेंडेंट थी उनकी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, एंड दे वेटेड फॉर दिस मानसून। जब भी मानसून होता था तो वो अपना एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो जाते थे। स्प्रिंग के समय में क्योंकि डिफरेंट फ्रूट्स वगैरह ट्रीज पर आते हैं, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करते थे। समर वॉज अ गुड टाइम फॉर फिशिंग। ओके, एंड ऑटम एंड विंटर दे वर गुड टाइम्स फॉर हंटिंग। सो वी आर सीइंग दैट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ईयर, ओके, ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स ये फॉरेस्ट पीपल ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। दे डोंट रिलाई ऑन जस्ट वन एक्टिविटी, जैसे कि हमारे किसान लोग करते हैं कि फॉरेस्ट में विलेजेस में रहते हैं, एंड द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इज कल्टिवेशन, कल्टिवेटिंग ऑफ क्रॉप्स, बट ऐसा नहीं है फॉरेस्ट ड्वेलर्स के साथ, वो अलग अलग सीजन में कई तरह के एक्टिविटीज़ करते हैं। ओके, सच अ सीक्वेंस प्रज्यूम्ड एंड परपेचुअल मोबिलिटी, तो इसमें वो परपेचुअली मतलब लगातार वो मोबाइल रहते थे, अलग अलग काम करने हैं वो हमेशा मोबाइल रहते थे। इनकी जो लाइफ है वो और विलेजेस की लाइफ में फ़र्क यही है कि विलेजेस स्थायी तौर पे एक ही जगह रह रहे हैं, उन्हीं खेतों में लगातार वही फसलें कर रहे हैं, और यहाँ फॉरेस्ट ड्वेलर्स को हम देख रहे हैं दे आर ऑन दी मूव बिकॉज दे आर कैरिंग आउट डिफरेंट एक्टिविटीज़ फॉर हंटिंग के लिए भी उन्हें अलग तरीके से ऑब्वियसली जाना पड़ेगा इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट फॉर गैदरिंग फॉर फिशिंग। सो दे कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज एंड दे आर मोस्टली मोबाइल पीपल। ओके, विच वॉज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ ट्राइब्स इनहेबिटिंग दिस फॉरेस्ट, तो ये इनका मोबिलिटी कि वो एक स्थायी जगह पर नहीं रहते हैं और वो इधर उधर आते जाते रहते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अगर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में भी दे कीप शिफ्टिंग देयर फील्ड्स, अभी इस जगह पे खेती कर रहे हैं, फिर कुछ एक दो साल में वो फर्टाइल नहीं रहा तो फिर वो दे यूज टू मूव टू अदर पीस ऑफ लैंड, वहाँ पर स्लैश करते थे ट्रीज को, उन्हें काटते थे, उन्हें जला देते थे, एंड देन बाद में वहाँ पर एग्रीकल्चर करने लगते थे। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है जो विलेज कम्युनिटी, जो विलेजेस, जो सेटल्ड फार्मर्स थे उनमें, और ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स में जिन्हें ऑब्वियसली जंगली कहा जाता था। ओके, फॉर दी स्टेट, जो उस समय स्टेट जो मुगल स्टेट है उसकी बात हो रही है, दी फॉरेस्ट वॉज अ सबवर्सिव प्लेस, ये एक ऐसी जगह भी थी जहाँ पर जो ट्रबल शूटर्स हैं जो कि मुगल स्टेट से बचना चाहते हैं पनिशमेंट से या किसी भी चीज़ से, कोई भी अगर सरकार उस समय का जो स्टेट है उससे अगर बचना चाहते हैं तो बेस्ट जो जगह थी वो थी फॉरेस्ट। ओके, एस्केप टू दी फॉरेस्ट एंड ऑल्सो यू डोंट हैव टू देन गिव टैक्सेस एंड एवरीथिंग, तो ये एक अच्छी जगह थी, रिफ्यूजी थी फॉर ट्रबल मेकर्स। ओके, तो फॉरेस्ट वॉज नॉट अ वेरी गुड प्लेस फॉर दी स्टेट, क्योंकि उसे मैनेज करना, एक तो वहाँ से उनके लिए रेवेन्यू बहुत नहीं आता था, कुछ रेवेन्यू आता था वो भी हम देखेंगे किस तरह से वो वहाँ से भी फॉरेस्ट के ज़रिए भी स्टेट को कमाई होती थी, बट वो जानते थे कि जो ट्रबल मेकर्स हैं उनके लिए छुपने के लिए एक बहुत रिफ्यूज़ प्रोवाइड करता था, एक ऐसी जगह थी जहाँ पर ट्रबल मेकर्स अक्सर जाके छिपा करते थे। इन रिफ्यूज़ ऐसी जो जगह है इसको मावाज़ कहा गया है फॉर ट्रबल मेकर्स, तो ये मावाज़ एक ऐसी जगह है जहाँ पर ट्रबल मेकर्स आकर छिप सकते हैं। अभी के कंटेक्स्ट में देखें 1980s में जो चंबल का इलाका है मध्य प्रदेश यूपी के जो बॉर्डर पर है, तो चंबल एक तरीके से एक वो भी इसी तरह के रिफ्यूज़ की जगह थी जहाँ पर मोस्ट ऑफ दीज डेकॉइट्स एंड ऑल दीज ट्रबल मेकर्स दे फाउंड अ रिफ्यूज इन चंबल एरिया। ओके,
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फॉरेस्ट काफ़ी है, तो अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है स्टेट गवर्नमेंट सॉरी जो मुगल स्टेट है उससे अगर कोई प्रॉब्लम है तो दे कैन ऑलवेज गो इन दी फॉरेस्ट। बाबर ने इसके बारे में कहा है, एंड बाबर वंस अगेन वी टर्न टू बाबर हु सेज दैट जंगल्स प्रोवाइडेड अ गुड डिफेंस एंड बिहाइंड विच द पीपल ऑफ द परगना बिकेम स्टर्बली रिवेलियस एंड पेड नो टैक्सेस। तो ये एक तरह का शेल्टर प्रोवाइड कर रहा था उन लोगों को जो कि टैक्सेस पे नहीं करना चाहते थे एंड ऑल्सो वॉन्टेड टू रिबेल अगेंस्ट दी स्टेट। ओके, तो ये बाबर के कोटेशन है। एंड परगना, यू नो परगना जो उस समय जो प्रोविंसेस थे उसका सब डिवीजन, जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट होते हैं तो उस समय परगना होते थे, और ये वर्ड काफ़ी कॉमन था। अभी भी कुछ डिस्ट्रिक्ट उनका नाम ही है 24 परगना वेस्ट बंगाल एंड ऑल में है, तो परगना बेसिकली अभी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हें समझा जा सकता है कि उन्हें तब परगना कहा जाता था। ओके, लेकिन स्टेट को फॉरेस्ट से क्या फ़ायदा था, क्या स्टेट्स की भी कोई ज़रूरत पूरी होती थी फॉरेस्ट के लिए? वी ऑल नो कि आर्मी जो डिफेंस सर्विस डिफेंस के लिए हर मुगल रूलर्स को एक स्टैंडिंग आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी, एक लार्ज आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी, और इस आर्मी में हॉर्सेस के अलावा एलिफेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट थे। ओके, तो दे रिक्वायर्ड लॉट ऑफ एलिफेंट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस प्लस फॉर डिफेंस पर्पसेस, और ये एलिफेंट्स आएंगे तो वही की जगह है दिस डेंस फॉरेस्ट। ओके, सो इन रोड्स इन टू द फॉरेस्ट एक्सटर्नल फोर्सेस एंटर द फॉरेस्ट इन डिफरेंट वेज। फॉरेस्ट में फॉरेस्ट ड्वेलर्स रह रहे हैं, जंगली लोग रह रहे हैं, लेकिन बाहर के जो लोग हैं वो भी फॉरेस्ट में एंटर करते थे। किस पर्पज से? पहले हम देखते हैं स्टेट रिक्वायर्ड एलिफेंट्स, तो यहाँ पर जो स्टेट है, जो मुगल स्टेट है वो भी फॉरेस्ट में, उसे भी मतलब है, और वो किस लिए फॉरेस्ट में जाते थे? वो जाते थे इन एलिफेंट्स के लिए, दे रिक्वायर्ड एलिफेंट्स फॉर द आर्मी। सो द पेशकश लेविड फ्रॉम फॉरेस्ट पीपल ऑफन इंक्लूडेड अ सप्लाई ऑफ एलिफेंट्स। ये पेशकश जो है इसको एक तरीके से टैक्स ही समझा जा सकता है, कि जो मुगल स्टेट जंगल में रह रहे लोगों से एक पेशकश लेते थे, एक तरह का टैक्स लेते थे, और टैक्स के रूप में उनसे एलिफेंट्स वो मांगते थे। ओके, तो उनसे अक्सर कहा जाता होगा कि आपको इतने एलिफेंट्स देने हैं, तो ये एक पेशकश की तरह होता था। पेशकश यहाँ दिया भी हुआ है, पेशकश वॉज अ फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट कलेक्टेड बाय द मुगल स्टेट। तो ये मुगल स्टेट फॉरेस्ट में रह रहे लोगों से जो एक तरीके से ट्रिब्यूट टैक्स जो लेते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, वो इस तरह से करते थे कि उनसे कोई मनी, क्योंकि उनके पास मनी तो होता नहीं है, एंड व्हाट वाज कलेक्टेड वाज कि उन्हें एलिफेंट्स देने पड़ते थे। इन द मुगल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हंट सिंबलाइज द ओवरवेलमिंग कंसर्न ऑफ द स्टेट टू रिलेट टू ऑल इट्स सब्जेक्ट्स रिच एंड पुअर। नाउ हंटिंग को यहाँ पर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट तरीके से डिस्क्राइब किया गया है मुगल स्टेट के लिए। हंटिंग एक ऐसा ज़रिया था जहाँ पर मुगल रूलर्स को अपने रिमोट पार्ट्स में जाने का मौका मिलता था, वहाँ जाकर वहाँ के लोगों से मिलने का, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ये एक अच्छा तरीका था। ओके, और हंटिंग के ज़रिए ये एक ऐसी चीज़ होती थी जिसके ज़रिए जो रूलर्स हैं वो अपने पब्लिक के लिए कंसर्न को दिखा पाते थे। ओके, तो यही मतलब है इसका। रेगुलर हंटिंग एक्सपीडिशंस, सो कोर्ट हिस्टोरियंस टेल अस इट इनेबल द एम्परर, इसके क्या फ़ायदे थे? इट इनेबल द एम्परर टू ट्रैवल अक्रॉस टू द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ देयर एम्पायर एंड पर्सनली अटेंड टू द ग्रीवेंसेस ऑफ द इनहैबिटेंट्स। तो हंटिंग केवल एक शौक के तौर पे नहीं जाया करते थे, उसके और भी पर्पज थे, कि वो अपने डिफरेंट जो एरियाज हैं उनको विजिट कर पाते थे रिमोट एरियाज में, जिन हंटिंग के अलावा और कोई वजह है नहीं इन एरियाज में जाने के लिए, और वहाँ पर जो लोग रह रहे होते थे उनसे एक तरीके से कनेक्ट कर पाते थे रूलर्स। ओके, द हंट वॉज अ सब्जेक्ट फ्रीक्वेंटली पेंटेड बाई कोर्ट आर्टिस्ट। यह हम मुगल पेंटिंग्स में देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे पेंटिंग्स हैं जहाँ पर रूलर्स को हंटिंग करते हुए दिखाया गया है। ओके, सो यहाँ हम देखते हैं कि जो स्टेट है उसका भी फॉरेस्ट से क्या मतलब था। उन्हें एक तरीके से वो पेशकश लेते थे इन जंगली लोगों से
एलिफेंट्स के तौर पर, बिकॉज एलिफेंट्स वर इम्पॉर्टेंट फॉर द आर्मी, एंड ऑल्सो दे यूज टू गो टू दिस प्लेसेस फॉर हंटिंग, एंड हंटिंग ऑल्सो सर्व अदर पर्पसेज, ये केवल इंटरटेनमेंट की एक्टिविटी नहीं थी, इसका और भी पर्पज था, और इसी के बहाने रूलर्स दे कुड गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर एम्पायर, विजिट देयर एंड ऑल्सो meet people and inhabitants of those region and solve their problems, listen to their grievances and solve their problems. Okay, now clearance of forest for agriculture settlements, ये एक description है 16th century Bengali poem और इसका नाम है चंदीमंगला, and इसमें बताया गया है कि किस तरह से forest को clear किया गया for cultivation of crops. Okay, trade between the hill tribes and the plains, ये बहुत important aspect था, हमने देखा कि फॉरेस्ट जो ड्वेलर्स हैं, जो ये जंगली लोग हैं, ये गैदरिंग करते थे, काफ़ी सारी चीज़ें जो कि फॉरेस्ट में मिलती हैं उसे इकट्ठा करते थे, फिर उसको वो प्लेन में रह रहे लोगों को बेचा करते थे, एंड उसके बदले वो उनसे अपनी ज़रूरतों की चीज़ें लिया करते थे. तो ये ज़्यादातर बाटर सिस्टम ही था कि सामान देते थे और सामान लेते थे. जो प्लेन में रह रहे लोग हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी जो कि फॉरेस्ट में प्रोड्यूस होता था,